नमस्कार। संघर्ष के साथी नामक इस YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम मौजूद हैं जौनपुर के दौरे पर। जौनपुर जिला सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं तो कई प्रसिद्ध स्थली भी है, कई प्रसिद्ध मंदिरें हैं तो कई प्रसिद्ध मस्जिदें भी हैं। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं, विजिट कर रहे हैं एक झाझरी मस्जिद। झाझरी मस्जिद नाम है, झाझरी मस्जिद जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मिमिक्री मस्जिद जौनपुर के अधीन है, या जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया झिंझरी मास्क्यू जौनपुर, यह बोर्ड लिखा है सामने बोर्ड पे। और यह जो है इस यहाँ पे जैसा कि साफ साफ उल्लेखित है, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इस मस्जिद को इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला तथा खालिस मुखलिस मस्जिद के निर्माण काल के बीच में बनवाया था। इस मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने हजरत सैयद शाह अजमनी के जौनपुर आगमन पर उनके सम्मान में करवाया था। यानी यह जो है इब्राहिम शाह सरकी ने हजरत सैयद शाह अजमनी एक थे जो है जो जौनपुर आए तो उनके आगमन पर उनके सम्मान में करवाया था। जनरल कनिघन तथा फ्यूहर ने झाझरी का सुंदरता से प्रभावित होकर इसको झाझरी मस्जिद नाम दिया है। यानी मस्जिद झाझरी मस्जिद नाम देने वाले जो हैं वह कौन है, जनरल कनिघन तथा फ्यूहरर ने। और इसके बाद इस मस्जिद के केंद्रीय मेहराब के अर्धर भाग पर नगरा शैली में कुरान की पंक्तियाँ उभरी हुई है, लिखी हुई हैं। इसके मेहराब तथा उच्च श्रेणी की और भी जो कुछ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, साफ साफ स्पष्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है मिट थोड़ा सा हल्का सा यह मिट चुका है। और आइए आगे हम विजिट करते हैं। तो यही है झाझरी मस्जिद जौनपुर का। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, झाझरी मस्जिद है, कई ऐसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल भी हैं। आप देख सकते हैं यह जो पुराना, इस समय लगभग कभी दीवार हुआ करता था मोटी ऊंची, आज खंडहर के रूप में तब्दील हो चुकी है। और सामने आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा जो है भाग जो है बहुत ही गहरा भाग है थोड़ा सा। और इधर आप देख सकते हैं कि यही झाझरी मस्जिद है। यहाँ पर उर्दू भाषा में लिखी गई लाइनें हैं। आप देख सकते हैं यह धीरे धीरे ध्यान न देने का कारण जो है इसकी जो है अपनी अस्तित्व को यह खो रही है। आप देख सकते हैं यह जो धीरे धीरे गिर रहा है सब। तो क्या नाम है बाबू आपका? जैकी। यस। कहाँ के निवासी हैं आप? हम बिहार के हैं। अच्छा, यहाँ पर रहते हैं? हाँ यहाँ पर रहते हैं। रिलेशन में आए हुए हैं? तो इसके बारे में कुछ जानते हैं? यहाँ सुबह शाम आते हैं? नहीं सुबह शाम। आप तो बिहार के निवासी हैं। हाँ। क्या कर रहे हैं इसमें? इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। कितने पढ़ते हो? 10 में। 3 में पढ़ते हैं? 10 10 10 में पढ़ते हैं। तो प्रमोट किए गए हो कि अभी गए हो? अभी गए हैं। तो आइए विजिट करते हैं। ये देख सकते हैं भी क्या है कि इतिहास जो है हमारा, कई ऐसे जो धरोहर है जिनको संरक्षण की आवश्यकता है अभी भी। अब यहाँ पर देख सकते हैं यह जो अपना साफ सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। अब देख सकते हैं इधर से आप ये देख सकते हैं यहाँ की, पीछे से भी आपको दिखा सकते हैं। इधर देखिए, ये सामने आप देख सकते हैं सामने जो है नदी है। कौन सी नदी है अंकल जी? यही गोमती नदी है। सामने गोमती नदी, यानी गोमती नदी के तट पर बना यह झाझरी मस्जिद जो है बहुत ही सुंदर है। एक समय में अपने जो है गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। तो आप देख सकते हैं यह जो यहाँ पे लगभग जाने के लिए जो है नीचे सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से नीचे से रास्ता है, रास्ता गई हुई। पहले ऊंची दीवार हुआ करती थी लेकिन आज खंडहरों में लगभग तबीद होने के कगार पर है। सामने गोमती नदी है। आइए पीछे के जो दिखा रहे हैं आपको दृश्य जो है, आप
हम पीछे का भाग देख सकते हैं।